क्वेश्चन है कि अगर हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर अगर हमें डीमोटिवेट करता है, हमें सपोर्ट नहीं करता है, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? आंसर, ये बहुत कॉमन इशू है, ये बहुत लोग को ये इशू फेस करना होता है। बहुत कम ऐसे लक्की कपल्स होते हैं जिनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग, उनकी आपस की जो मेटा प्रोग्रामिंग होती है वो सेम होती है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। कैसे टैकल करें? स्टेप नंबर वन, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस पर हम सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर पाएंगे। ये क्लैरिटी हमें कॉन्फिडेंस देती है, स्ट्रेंथ देती है, जिसके बिना हम अपने टास्क को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने विज़न में, अपने मिशन में, अपने विश को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में बेस अपने पार्टनर को बनाने के बजाय अपने क्लैरिटी को बनाना है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मेटा प्रोग्रामिंग को शेयर करते हैं। जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों का मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। एक पर्सन मोटिवेट करने के लिए किसी को अच्छी बातें बोलेगा, ग्रीट देगा, पॉजिटिव साइड दिखाएगा, और जो दूसरे तरह के मेटा प्रोग्रामिंग के लोग होते हैं वो किसी को मोटिवेट करने के लिए कुछ डराने वाली बात करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो कई बार हमारे स्पाउस, हमारे पार्टनर जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, उनकी इंटेंशन कुछ और होती है। दूसरा, वो बस सेफ्टी चाहते हैं कि हमें सेफ करना चाहते हैं, हमारे रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। सो हमें इस बात को समझना है। तीसरा फैक्टर, ज़्यादातर लोग लाइफ में रिस्क फ्री सक्सेस चाहते हैं, और रिस्क फ्री सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतनी बड़ी ही सक्सेस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो इन नट सेल, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना करेज शो करना है, अपनी क्लैरिटी शो करना है, अपना स्ट्रेंथ शो करना है, आपको अपने डिसीजन पे फेथ शो करना है, अपने मेंटर्स पे फेथ करना है, अपने नॉलेज पे फेथ करना है, और आपको इस जर्नी को आगे तक कंक्लूड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैसे हम उनको पॉजिटिव में टर्न करें, पॉजिटिव माइंडेड पर्सन में कैसे टर्न करें। ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग लाइफ में किस माइंडसेट को फॉलो करते हैं ये हमारी चॉइस होती है। उसमें हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, हमें अपनी एनर्जी अपने विश को पूरा करने में लगानी चाहिए। सिंपल सी बात याद रखिए, पीपल वांट रिस्क फ्री सक्सेस एंड देयर इज़ नो रिस्क फ्री सक्सेस। इसलिए ज़्यादातर लोग लाइफ में फेल होते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ये बात पता होती है और वो इस बात पर चलते हैं। थैंक यू।